कराने की जरूरत क्या थी? संडे राइट की जगह उसके यहाँ जाना पड़ा। बढ़िया है। 75 दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये गणपति बप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है मंडे, राइट? और एक्चुअली कल संडे राइड वाली वीडियो तो आपने देखी ली होगी, कैसे कैंसिल हुई, क्या क्या हुआ। आप लोगों में से कई को ऐसे क्वेश्चन हो रहे होंगे कि जब तू मैकेनिक के यहाँ गया था तब तो काफ़ी बढ़िया चल रही थी बाइक, 70 की स्पीड पे भगाई भी थी, तो कराने की ज़रूरत क्या थी? तो यस, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंडल ना, ये हैंडल बार हल्का सा टेढ़ा रह रहा था, चलिए वो भी मैनेजेबल था, पर सस्पेंशन कई बार हीट एंड मिस टाइप का हो गया था। यानी कि अगर पॉट होल को हीट करता है तो कई बार वर्क करता था, कई बार वर्क नहीं करता था, और उस टाइम जब वर्क नहीं करता था तब जोर से हीट करता था, तो वो जो जॉल्ट जो आता था वो आपको हैंडल बार पे लगता था, और हैंडल बार पहले से ही टेढ़ा था, हल्का सा टेढ़ा था। तो यही सब करवाना था, तो सोचा कि भैया करवा ही लेते। उसने मेरे पास 2 घंटे का टाइम मांगा था, तो मैं शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे तक उसके यहाँ पहुँच गया था, लेकिन समहाउ बहुत देर हो गई, रात के 9 बज गए, पर बाइक अच्छे से रिपेयर नहीं हुई। अच्छे से रिपेयर यानी उसने सब पैक तो कर दिया अपने हिसाब से, पर ये जो खोला था यहाँ पे, ये अंदर कुछ एक पार्ट आता था जो शायद ख़राब हो गया था, और उसने उसी के साथ फिट कर दिया था, जिसकी वजह से हैंडल बार बहुत ही जैम लग रहा था, बहुत ही हैवी लग रहा था। इसीलिए हमको दोबारा से संडे के दिन, संडे राइड की जगह उसके यहाँ जाना पड़ा, और उसने सब कुछ सही कर दिया। अभी बिल्कुल लाइट है, और अभी हैंडल बार भी सीधा ही है एक्चुअली, और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। उसी के साथ हल्के फुल्के थोड़े मिसलेनियस वर्क भी थे, जैसे इंजन ऑयल चेंज करवाना, और यप और भी कुछ थे 2-3। तो ये हुआ कांड, और हमारी संडे राइड मिस हो गई। आज भी काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो यस वी आर ऑल गुड। गुड मॉर्निंग फिशी, काफ़ी दिनों बाद तेरे से मुलाकात हुई। अभी एक्चुअली सस्पेंशन का काम हुआ है, तो थोड़ा पॉट होल ये सब संभाल के ही चला रहा हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जगह जगह पे पॉट होल्स और ये सब हो गए हैं। और ये कार वाला हमको परेशान कर रहा है, तो इसको हम ओवरटेक कर लेंगे एनी हाउ। बाय बाय। एक बार थ्रॉटल खोल दिया तो खोल दिया। बाद में बस हमेशा थ्रॉटल खुला रखने का ही मन होता है। अरे अरे हाँ, चलो भैया जी, काहे को कहाँ फंसा दिए। बढ़िया है। अभी वेनसडे को गणेश चतुर्थी है, तो अभी 1-2 दिन तो बस रास्ते पे आपको गणपति जी की मूर्ति ही जाती हुई दिखाई देगी। एक्चुअली सैटरडे संडे जो था उसमें काफ़ी हद तक, 70-80% तो मूर्तियाँ अपने मंडप में पहुंच गई होगी,
ये देखिए ये सारे मंडप में मूर्तियां है। Six hours later. So good evening guys. तो अभी हम निकले हैं इवनिंग राइड पे, लेकिन लेकिन हर बार की तरह हम रिंग रोड वाले फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, यानी यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। इस बार हम जाएंगे हम अपने फेवरेट ब्रिज पे, यानी सरदार ब्रिज पे। चाय चाय। यस। तो या यहाँ पर भी सरदार ब्रिज पे भी खींचने का एक काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेच भी है वो। तो लेट्स सी, अपने को बीच वाली लेन में जाना है, इसीलिए यहाँ से ऊपर नहीं चलेंगे, अपन नीचे से जाएंगे। या सही है, निकल गए, ग्रीन सिग्नल पे ही निकल गए। चलिए प्लस 75। काफी अच्छा खींचा, काफी अच्छा। वाह मजा आ गया यार, पूरे तन बदन में आग लगा दी। आग लगा दी। ये इफेक्ट होता है भैया स्पीड का हम पे। सोच लो अगर संडे राइड पे निकल गए होते तो कितना बढ़िया रहता, जबकि हमने 75 तक ही किया था, 80 तो किया भी नहीं था। जब हम 80 पे करते हैं हर वक्त संडे राइड पे, और 85 तक भी ले जाते हैं। चलो, क्या कर रही हो? A few moments later. तो हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है और हम वापिस से जा रहे हैं सिटी में, यानी कि वापिस से एक ब्रिज पे से क्रॉस होंगे, लेकिन ये ब्रिज पे इतना स्पीडिंग करना नॉट अ गुड आइडिया, पर फिर भी करेंगे। 60 तक तो खींच ही सकते हैं, 70 तक भी खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए गणपति बप्पा मोरिया। सही है, सीधा ब्रिज पे आग लगाने के बाद हम ट्रैफिक में फंस गए। एनीवेज अब तो बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो इसी बात पे व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। Fear. I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?